मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन टीम इंडिया के लिए ज़रूर खेलूंगा। कुछ ऐसा कहना है रियान परा का, जो कि इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें पिछले साल खेली गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो रियान पराग इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और उन्होंने खेले गए 10 मैचेस में 590 रन बनाए। इसके बाद अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो अब तक खेले गए दोनों मैचेस में रियान पराग ने बेहतरीन शतक लगाए हैं और ये दोनों सेंचुरीज ऐसे टाइम पर आई हैं जब असम की टीम मुश्किल सिचुएशन में थी और ऑलमोस्ट मैच हारने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बावजूद रियान पराग ने अपनी टीम के लिए यानी कि असम के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक रियान पराग को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया है और सभी के मन में यही सवाल है कि जहां दूसरी तरफ कई सारे प्लेयर्स टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन इतना कंसिस्टेंट होने के बाद भी रियान परा को आखिर क्यों टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है। अब जब रिसेंटली इसी से जुड़ा गया एक सवाल रियान पराग से पूछा गया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद मैंने अभी तक उतने रन्स नहीं बनाए हैं जितने मुझे बनाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और बनाऊंगा। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हुआ तो मैं बेहतर बनने की कोशिश जारी रखूंगा। आखिर कब तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे मैं भी देखता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं टीम इंडिया के लिए ज़रूर खेलूंगा। जिस तरह से मैं खेल रहा हूं आप वो अक्सर कम देखते हैं असम के क्रिकेटर से, और इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। जब आप असम जैसी जगह से आते हैं जहां क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं है तो आपको बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सच है। और अगर कोई दूसरा खिलाड़ी 3 शतक लगाता है तो आपको 5 शतक लगाने पड़ते हैं। अब रियान पराग के इन स्टेटमेंट्स के बाद एक बात तो साफ है कि रियान पराग टीम इंडिया में सिलेक्शन ना होने से काफ़ी ज़्यादा उदास हैं कि वो कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में अपनी टीम के लिए बेहतर खेल दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि रियान पराग अब तक टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए हैं, और क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से जितेश शर्मा, तिलक वर्मा और बाकी कुछ खिलाड़ियों ने रिसेंटली टीम इंडिया के लिए डेब्यू किए हैं, अब फाइनली समय आ चुका है कि रियान पराग को भी इंडियन टीम में मौका दिया जाना चाहिए। अब इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोज के लिए बने रहें क्रिकेट ज्ञान के साथ।